हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल ईयर में स्वागत है। और भाई यहाँ पर जो है यूपी कैटेट जीएस 23 मई 2023 के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके जीएस के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ थंबनेल में लिखा हुआ था, ए जी स्टूडेंट है कह रहा है भाई हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, केमिस्ट्री ही नहीं देता है। भाई केमिस्ट्री ही नहीं है इस बार, सबसे आश्चर्य की बात है ना। मतलब सोच सकते हैं 25 क्वेश्चन, ये भी नहीं कि एक दो क्वेश्चन हो, चलो नहीं दिए हो कोई बात है, लेकिन भाई आपका 25 क्वेश्चन तो दे सकते थे, पूरा एक सब्जेक्ट ही गायब कर दिए हो और पेपर भी इतना उटांग पटांग दे दिया है कि मतलब एकदम स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं। चलिए जो क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने 18 क्वेश्चन को ढूंढ लिया है, तो उन क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कोशिश करूँगा जो है बेहतर तरीके से समझाने की, और जो आगे अभी आने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है बेनिफिशियल हो। ताकि तो शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन, भारत से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अक्षांश गुजरता है, विच इंटरनेशनल लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। तो भारत से एक अक्षांश जो गुजरता है वो कौन सा है, वो कर्क रेखा है। कर्क अक्षांश है जो कि आपका 23rd डिग्री हाफ पर है, ठीक है, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा यानी उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। मित्र पर गमछा झार वो ट्रिक है, तो उस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड है, ये तो लैटिट्यूड आपका था, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जब रहेगा तो इक्वेटर होगा, जब लॉन्गिट्यूड रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल टाइम लाइन हो जाएगी। आगे आपका है कि भाई प्रश्न दे रखा है कि लोहे का शुद्धतम रूप इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो जो कच्चा लोहा होता है, रॉट आयरन होता है, गढ़ा लोहा जिसको यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, 95% जो है आपका कह सकते हैं आयरन की मात्रा होती है, इसलिए क्या होता है सबसे शुद्ध रूप होता है किसका, लोहे का, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं आगे किस खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है, विच प्लेग्राउंड इज कॉल्ड अ कोर्स। तो भाई गोल्फ की बात की जा रही है, गोल्फ के मैदान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो है कोर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। वो वाला कोर्स नहीं जो आपका कोर्स था आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो कोर्स की बात नहीं की जा रही थी, यहाँ पे गोल्फ के मैदान की बात की जा रही है। गोल्फ की स्टार्टिंग जो है स्कॉटलैंड से होती है, जो कि आपका ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है, तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, ये भी अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, टाइगर वुड्स आपके गोल्फ से ही संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है, स्थित है वो आपसे पूछा गया है, तो कोलकाता में है, ध्यान रखें कहाँ पर, कोलकाता में। 1814 में इसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, उस समय हमारा जो है शासन नहीं था, तो उस समय जो किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। हमारा शासन तात्पर्य कि हमारे जो देश का यहाँ पे संविधान इस समय लागू है उसकी बात की जा रही है। तो कोलकाता संग्रहालय जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। आगे आपका प्रश्न है, गरीब महिलाओं की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करता है, मीट्स द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर वुमेन। तो भाई गरीब जो महिलाएं उनके लिए जो क्रेडिट यानी उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने का काम कौन करता है, नेशनल वुमेन्स फंड करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय महिला कोष करता है। इसकी स्थापना की गई 1993 में स्थापना की गई, राष्ट्र स्तर पर काम करने का काम करता है। और इसमें जो महिला आयोग है उसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो रेखा शर्मा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इस बार करंट के क्वेश्चन एकदम नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ही आपका करंट का क्वेश्चन तो आपका है नहीं, लेकिन आपका इस प्रकार से उसको करंट में बना के स्टैटिक जीके में दे दिया है। देखिए है क्या कि इस बार जो जीके आया ना भाई वो स्टैटिक जीके का दे दिया, जो कि आपका जो अभी तक का पैटर्न रहा उस पैटर्न से एकदम बिल्कुल भी अलग आया, क्योंकि ये जो पैटर्न आपका इस बार दिया गया है वो एसएससी का पैटर्न है। एसएससी के पैटर्न पर इस बार आपके जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आपका पैटर्न चलता आ रहा था उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चंस को कराया है, फिर भी आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं लाला लाजपत राय हैं, ध्यान रखना है लाला लाजपत राय। साइमन गो बैक जो है आपका यहीं इन्हीं के द्वारा दिया गया था नारा। और यहाँ पे टाइमर क्या लगा जाए यार।
भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? देखो इंडिया जो है भारत भाई, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उस समय से ही ये है, ठीक है, स्टार्टिंग मेंबर्स जो होते हैं उनकी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 में। तो 1945 में तो इंडिया बनेगा ही बनेगा। अब होता क्या है कि भाई यहाँ पर 24 अक्टूबर को तो इसकी स्थापना हो गई, जब सिग्नेचर करने की बारी आती है वन बाय वन जो है, जब सभी देश सिग्नेचर करना शुरू करते हैं, तो जो भारत का नंबर आता है वो किस तारीख को आता है? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को जो है 1945 को भारत सिग्नेचर करता है और क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। यानी ये जो है इंडिया जो है प्रारंभिक सदस्यों के रूप में ही इसमें शामिल हुआ था। चेस, शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड? चेस बोर्ड में जो है आपके यहाँ पे 64 जो है वर्ग होते हैं, ध्यान रखना है 64 आपके वर्ग होते हैं, ठीक है। क्वीन और किंग का यहाँ पे खेल रहता है, मेन इसमें जो है क्वीन को रखा गया है। क्वीन और किंग के जो है इसमें मेन रखा गया, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया जाता है? द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री रिप्रेजेंटेड बाय, तो भाई किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसी देश में जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो स्तर है वो किस, कह सकते हैं बेस पे मेजर किया जाता है, किस आधार पे उसको मापा जाता है, उस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो पर कैपिटा इनकम होगी भाई, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना उनकी जो इनकम है उसके हिसाब से, मतलब ओवरऑल देखा जाए कि देश में जो है डेली जो है आपका यहाँ पे पर पर्सन के हिसाब से खर्च कितना है, पर पर्सन के हिसाब से जो अर्निंग कितनी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, जैसे कि होता है ना कि घर की सैलरी भाई होती है, हम जो आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो बस उसी चीज़ को समझ लेना है। तो किसी देश का जो है वहाँ पे देखते हैं कि लाइफ स्टाइल जो है उसको इसी बेस पे डिसाइड किया जाता है। वहाँ पे जो पर पर्सन है सभी को, कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है, उन चीज़ों को मिला करके यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। आगे एमएस वर्ड से देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके एकदम सिलेबस में था ही नहीं अभी तक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आपसे पूछा गया। तो एमएस वर्ड क्या है भाई? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है क्या होता है आपका जो है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो क्या आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपके विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, ये सब चीज़ें किस में आती है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। अब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड में आपका जो है आपका जैसे कि एमएस वर्ड आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती हैं। जो आपके यहाँ पे टूल एंड यूटिलिटी भी आपका एक सॉफ्टवेयर के रूप में ही जाना जाएगा, जो एंटीवायरस होते हैं वो उसके पार्ट के रूप में जाने जाते हैं। और आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो सब लैंग्वेज भी आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होकर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। जितनी भी लैंग्वेज है, कोबोल हो चाहे CCC लैंग्वेज हो, आपका C++ लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज। अगला प्रश्न, ओवल ऑफिस में किसका कार्य होता है? भाई ओवल ऑफिस की बात की जा रही है, इसमें किसका कार्य होता है, हु वर्क्स इन दी ओवल ऑफिस? देखिए किसका कार्य होता है, अभी हिंदी में जो है क्लियर नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में देखा हु वर्क्स इन दी ओवल ऑफिस, यानी कौन भाई ओवल ऑफिस में काम करता है, ऐसा कौन सा बंदा है या कौन सी बंदी है या कौन है, यहाँ पे कोई संगठन है क्या है? तो वास्तव जहाँ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय, नहीं ये नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक, नहीं ये भी नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का निजी कार्य, यूएस प्रेसिडेंट प्राइवेट ऑफिस, यस ये भाई यूपीएस जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी एक प्राइवेट हाउस है। व्हाइट हाउस क्या है कि व्हाइट हाउस जहाँ पर ऑफिशियली बैठते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनका एक प्राइवेट ऑफिस है। तो ध्यान रखेंगे सी है यहाँ पे। आगे है दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी, इसको तो कई बार कराया गया था, सिंपल क्वेश्चन है 2695, ठीक है। आगे है किस अखबार का आदर्श वाक्य शास के, ये भी आपका स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है जो कि SSC में आपका अधिकतर समय पूछा, हु विच न्यूज़पेपर मोटो इज जर्नलिज्म ऑफ करेज, तो ये किसका है भाई, इंडियन एक्सप्रेस का है, ठीक है। ध्यान रखें किसका, इंडियन एक्सप्रेस का है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो सरस्वती सम्मान की बात की जा रही है, तो पहली बात तो इसका ध्यान रखना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई। अब होता क्या है, साहित्य के क्षेत्र में तो दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाएगा, लेकिन होता क्या है भाई इसमें कि जो हमारे संविधान में वर्तमान में 22 जो भाषाएँ हैं उन भाषाओं में से किसी में भी आपने जो है साहित्य पर अच्छा काम किया है तो उसके लिए आपको दिया जाएगा। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में वर्तमान में उनके लिए ही दिया जाएगा, बाकी आप अगर उन 22 भाषाओं के अलावा दूसरे में करेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार। टाइमर कहाँ है भाई, चालू हो जा रहा है। आर्थिक अपराधों का संबंध है, इकोनॉमिक ऑफेंस रिलेट टू, आर्थिक अपराधों का जो संबंध है किससे है, देखिए मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये भी आपका सही है, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला, ये भी आपका सही है, वित्तीय घोटाले फाइनेंशियल स्कैम्स, ये भी आपका सही है, धोखाधड़ी रहे वो भी आपका इसी में आएगा, मुद्रा और मूल्यावन जो प्रतिभूतियों की जो है जालसाजी, जैसे कि आप कह सकते हैं नकली नोट बनाना भाई, नकली नोट बनाना या किसी चीज़ का जैसे कि एकदम आप जैसे ताजमहल की एक फोटो कॉपी जैसे इस प्रकार से कुछ बना लेना, तो ये सब आपका क्या आएगा, ये आपके आर्थिक अपराधों के रूप में आ जाएंगे। ताजमहल बता दिया, वो आपका आर्थिक अपराध में नहीं आएगा उस प्रकार से, वो दूसरी चीज़ आ जाएगी। लेकिन जैसे कि सोने के जो हमारे सिक्के हैं या जो हमारे सिक्के हैं उसी के जैसा दूसरा बना लेना, जाली बना लेना, जैसे जाली नोट आती है नकली नोट उसी प्रकार से, तो सभी जो ऑप्शन देख रहे हो उपयुक्त तो सभी आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ और भाई, कोई भी क्वेश्चन के अगर ऑप्शन इधर उधर थोड़ा बहुत हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जो ऑप्शंस रहे हो मैंने वही रखने की कोशिश पूरी की पूरी की है। हाँ, कोई और क्वेश्चन अगर आया हुआ होगा तो उसको भी हमें कमेंट करके बताएंगे आपकी क्वेश्चन और कौन सा था, क्योंकि मेरे पास 18 क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा नदी पुल बन रहा है, वर्ल्ड हाईएस्ट रिवर ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, तो कहाँ पे बन रहा है, चिनाब नदी पे बन रहा है, चिनाब नदी पे बन रहा है क्या कि भाई ये 359 मीटर तो ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे, इसकी लंबाई है 1.315 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है, ठीक है, ये अर्क के जैसा बन रहा है इस प्रकार से, जैसे यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, ऐसे फिर इधर रोड चला जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। आगे और बढ़ा जाए, पूरा मंडल की वकालत किसने की थी, हु एडवोकेट पूरा मंडल। देखो भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्लियर नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैंने इसके ऑप्शंस को नहीं लिखा है, अगर आपको पता हो ना तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा था स्टूडेंट ने बताया इधर उधर करके, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं क्लियर हुआ तो मैंने उस चीज़ को नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और अगर किसी को भाई पता हो थोड़ा याद आए तो कमेंट करिएगा ज़रूर से। आगे, भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति शुरू की गई थी, व्हेन वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखो यहाँ पे तो आपका इंग्लिश के हिसाब से कब हो जाएगा, लेकिन अगर आपका स्थान दे रखा है तो आप कब तो लेओगे नहीं, तो कहाँ रहना चाहिए, वेयर रहना चाहिए, है ना, तो भाई कहाँ पे की गई, कोलकाता में। देखो अब आपका जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना होगा कि 1897 में देगा, 1897 कहाँ देगा, दार्जिलिंग देगा, लेकिन दार्जिलिंग आपका गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ, गलत क्यों, अगर कोई आपको कहे कि दार्जिलिंग में सबसे पहले की गई तो उसको कह दीजिएगा नहीं भैया गलत आप बता रहे हैं। क्यों गलत बता रहे हैं, देखो है क्या, इंडिया में जो सबसे पहले की गई वो 1879 में की गई, कहाँ पे की गई, कोलकाता में की गई, 1879 में की गई, फिर 1881 में की गई, उसके बाद 1897 में की जाती है तीसरी बार में, है क्या। 1879 में जो है ना इस समय थोड़ी सी छोटे सी जगह में, मतलब कम जगह में आप कह सकते हैं इसकी सप्लाई की गई, 1881 में थोड़ी और जगह बनाएगी, लेकिन 1897 में पूरी जो है दार्जिलिंग आप कह सकते हैं, पूरा जो पूरा बड़ा स्थान है, पूरे जिला आप कह सकते हैं उसमें जो है इसको सप्लाई किया गया था। इसलिए आपको जब गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको दार्जिलिंग सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है, तो दार्जिलिंग वाला नहीं सही है, सही है आपका क्या 1879 है, कोलकाता सही है, ठीक है, तो ध्यान रखिए दार्जिलिंग ऑप्शन में भी नहीं था, स्टूडेंट ने हमें बताया। तो ये आपके भाई 18 क्वेश्चंस रहे और इन क्वेश्चंस को देखें, और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि डिफरेंट हो थोड़ा भी तो उसको हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो आगे स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसको देख सके और अपने आंसर को मिला सके कि भाई उनके कितने सही हुए हैं। आप हमें कमेंट जरूर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।